दोस्तों मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर को। यह आपको फ्लिपकार्ट पे लगभग 500 रुपए में मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये हेलीकॉप्टर कैसा है। उससे पहले हम दिखा दें कि बॉक्स पर क्या क्या दिया गया इसके बारे में। इसको आप घर के अंदर और घर के बाहर इसको उड़ा सकते हैं। ओल्ड LED लाइट, इसमें LED लाइट लगी है, 3D फ्लाइट और वोल्टेज प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है। और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हेलीकॉप्टर डुअल मोड कंट्रोल फ्लाइट। ये डुअल मोड का है, देखते हैं ये शायद हाथ से भी कंट्रोल होगा, देखा जाएगा आगे वीडियो में। और 5 साल के ऊपर के बच्चे जितने हैं उनके लिए, उनसे नीचे के लिए नहीं है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इसे अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसे ही अनबॉक्सिंग के वीडियोस लाता रहूँगा। इसी तरह हेलीकॉप्टर, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर और बहुत चीज़ मैंने अनबॉक्सिंग पहले से किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। एक इसका चार्जिंग करने का USB टाइप ए से जो पतली वाली पिन आती थी पहले नोकिया वाले चार्जर की, वो है। और साथ ही साथ ये अच्छी बात है कि इसमें हमें बैटरी मिल जाती है, जो रिमोट वाली बैटरी होती है AAA साइज़ की। इसको भी साइड में रखते हैं। और ये मिल जाता है एक हमें रिमोट कंट्रोल, स्टार्ट करने के लिए और ऊपर करने के लिए। अब अभी आपको दिखाते हैं। और ये मिल जाता है हमारा हेलीकॉप्टर। दोस्तों बहुत ही हल्का सा हेलीकॉप्टर है, बहुत ही हल्का। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना वज़न होगा। ये देख लीजिए, केवल 28 ग्राम का। चलिए कोई बात नहीं। और इसका जो पर है, प्रोपेलर इसको कहा जाता है, ये बहुत ही कड़ी प्लास्टिक से नहीं बनाया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर कड़ी प्लास्टिक होगी तो कहीं लड़ेगी तो आसानी से टूट जाएगी। ये मुझे तो नहीं लगता टूटेगी। और यहाँ पर एक देख लीजिए, इसका बैलेंस के लिए दिया गया है, क्या दिया गया पता नहीं, वही दिया गया होगा। और यहाँ पर आप देखिए एक सेंसर लगाया गया है इधर, वो शायद जो ऐसे हाथ लगाएंगे तो कंट्रोल होगा, अभी चेक करते हैं। और चार्जिंग के लिए कहाँ दिया गया मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्जिंग के लिए आप देख सकते हैं इस साइड में दिया गया, यहाँ पर देखिए ऐसे चार्जिंग लगा देंगे। और ये वाला तो आपके पास एडाप्टर तो होगा ही। और इधर देख लेते हैं, इधर ऑन ऑफ का बटन इसका दिया गया है। ये देखिए बहुत ही छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, बस कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पर एक LED लाइट दी गई है। तो चलिए हम इसको अब रिमोट में बैटरी लगा लेते हैं। अब इसको खोलने के लिए कुछ चाहिए तो अपना देसी औजार लेके आते हैं कुछ। ये देखिए कैंची है, वो तो कितने टाइम पेचकस दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पे है। दोस्तों आप इसका रिमोट देख सकते हैं, स्टार्ट और अप करने का मैंने आपको बताया था। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन ऑन कर देंगे तो यहाँ से एक LED लाइट जल जाएगी। और यहाँ पर दो LED लाइट लगी है, जो रिमोट में लगी होती है वही वाली, जो TV वाले रिमोट में लगती है वाली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे अब ऑन कर देते हैं। दोस्तों अपने आप ये आप देख सकते हैं, जब मैं इसे ऑन करूँगा बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा ये। मैंने अभी इसको पकड़ के रखा है और यहाँ दोस्तों लग गया। और यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए ऑन ऑफ इसी से होगा, स्टार्ट वाले बटन से। दोस्तों ये इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए है। तो अब हम चलते हैं बाहर, देखते हैं कि कितने ऊपर जाता है। इसमें कोई लेफ्ट राइट का बटन नहीं है, जब एक बार उड़ जाएगा तो उड़ ही जाएगा, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बस ये ऊपर नीचे के लिए, बस केवल ऊपर के लिए है। अब देखते हैं, चलिए बाहर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है।
तो चलिए दोस्तों, मैं बाहर आ चुका हूँ, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब दोस्तों आप इसकी उड़ान देख सकते हैं, बहुत ही कम है इतने टाइम। ये जो बेंच होती है बस उसके आसपास ही है, जो बैठने वाली बेंच होती है बस उसी के आसपास की इसकी उड़ान है। इतने टाइम तो बहुत ही कम है। दोस्तों मैंने इसको लगभग 2 घंटे तक चार्ज किया था। ये देखिए इसकी उड़ान थोड़ी सी जो पहले मैंने दिखाया उससे ज़्यादा थोड़ी ऊपर गई है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक ऊपर नहीं जाएगा। जैसे जाता है थोड़ी ऊपर फिर देखिए नीचे आ जाता है। और इसका बैकअप मैं आपको बता दूँ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों आप इसकी उड़ान देख सकते हैं, बहुत ही बेकार है। जब आप कोई हेलीकॉप्टर खरीदते होंगे तो सपना देखे होंगे कि इतनी ऊपर उड़ाएंगे, वैसा वो हेलीकॉप्टर नहीं है ये वाला। दोस्तों जब आप रिमोट को इसके हेलीकॉप्टर के नीचे लेके दौड़ेंगे, इसका जो सेंसर लगा है उसको उसके सामने दिखाएंगे, तभी ये हेलीकॉप्टर थोड़ा बहुत उड़ता है, वो भी नहीं। जब उड़ भी जाएगा तो इसका कंट्रोल एकदम गायब हो जाएगा, कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। और इसकी उड़ान तो छत तक तो है ही नहीं, कितनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 5 से 6 फुट होगी, वो भी 4 से 5 सेकेंड के लिए। ये दोस्तों अगला दिन है, मैंने सोचा कि इसको अच्छे से चार्ज कर लें, 7 से 8 घंटे पूरा दिन भर लगा के इसे छोड़ दिया, फिर भी आप देख सकते हैं जब मैंने इसको नीचे से इसका रिमोट दिखाया तो थोड़ा बहुत उड़ रहा है। ये देखिए फिर भी वो 6 फुट के आसपास ही उड़ रहा है। ये देखिए मैंने इसको फेंका, सोचा कि तब भी उड़ जाए, लेकिन ये उड़ा नहीं। मैंने इसको 1-2 बार ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत इसको ट्राई किया कि उड़ जाए, लेकिन ये उड़ा ही नहीं। ये आप देख सकते हैं जब उड़ता है थोड़ी देर के लिए तो जैसे रिमोट से थोड़ी सी भी दूर जाता है तो ये कहानी ख़त्म इसकी। दोस्तों मुझे ये हेलीकॉप्टर थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बेकार मुझे लगा, क्योंकि न तो इसकी उड़ान अच्छी है न तो इसका बैकअप अच्छा है। अगर नीचे भी उड़ता है तो कुछ देर उड़े अच्छे तरीके से, तब भी अच्छी तरीके से, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर खरीदने का सोच रहे हैं तो इससे थोड़े से अच्छे वाला खरीदिए, थोड़ा और ज़्यादा पैसा लगाइए तब खरीदिए। अगर आपका बजट इतना कम है 500 रुपये का, तब इसको आप इसको नहीं खरीदना है, बहुत ही बेकार है, बहुत ही पछताएंगे, थोड़ा भी इसमें आपको मज़ा नहीं आने वाला है। इससे बढ़िया हम तो एक नचौना खरीद लेते हैं जो पंखी वाला आता है, ट्रॉफी लगी होती है जिसमें हाथ से ऐसे मारते हैं बहुत ऊपर जाता है, इससे तो वो ऊपर ही जाएगा। ये बहुत ही बेकार है, मुझे नहीं अच्छा लगा। दोस्तों मैं तो कहूँगा आपको इसको ख़रीदना ही नहीं है, अगर ख़रीदेंगे तो बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि 500 रुपये जब लग जाएगा उसके बाद तो आपकी हालत ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि 500 रुपये बहुत होते हैं। और अगर 500 रुपये आप किसी तरीके से आप लगा देते हैं उसके बाद देखेंगे इसकी उड़ान तो आप पागल हो जाएंगे। अरे कितना जाएगा, लगभग मैं बता देता हूँ आपको कि 5 फुट के आसपास ये जाता है, और कितने सेकंड के लिए, 3 से 4 सेकंड के लिए ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, कहानी ख़त्म इसकी। उसके बाद फिर आप ऐसे हाथ में लीजिए, फिर उड़ाइए, फिर 2-3 फुट 4 फुट ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा। इसका कंट्रोल तो बहुत ही बेकार है, इसको आपको लेना ही नहीं है। और साथ ही साथ इसका बैटरी बैकअप तो बहुत ही बेकार है, कितना 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ये चलेगा, जो आप 5 फुट की ऊंचाई लेते हैं बस 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और जब ये 5 फुट रगड़ पगड़े कैसे जाएगा, फिर वह एकदम नीचे गिर जाएगा, बस इसका यही कहानी है। ऊपर जाएगा टिकेगा नहीं, सटाक से नीचे आ जाएगा, कहानी ख़त्म इसकी। और 5 मिनट बाद तो इसकी कहानी एकदम ही ख़त्म हो जाती है, वही ज़मीन पर रगड़ पगड़ के कैसे चलेगा, बस इतना ही, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी अनबॉक्सिंग या किसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।